आज में जीते हैं, पर हर आज पर कल का साया होता है। तो फिर आपके दिल में भी तो ऐसा कोई साया होगा, ऐसा कोई चेहरा, ऐसी कोई याद। आज ही सारी बातें कर लेंगी आप, तो फिर अगली मुलाकात में क्या करेंगी? हम वापस मिलेंगे। आपसे मिल पाना मेरे लिए खुशकिस्मती है शहजादी यास्मिन। वादा। जरा संभल के अली साहब, अगर आपका दिल इतनी जोर जोर से धड़केगा तो हमें इसके सारे राज पता चल जाएंगे। पर इस दिल में कोई राज नहीं है यास्मीन। चलता हूं, आपकी अदाएं नखरे दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम दोस्त बन गए हैं तो क्या मैं आपको नाज बुला सकता हूं? आका, शहजादी वापस आ गई। शहजादी लौट आई? नहीं आका। कब? जी कल रात। तो तुम हमें अभी बता रहे हो? तो कब पता था? परसों। लेकिन परसों तक तो बहुत देर हो जाती है। बेवकूफ, हमारा वो मतलब नहीं था। अगर शहजादी वापस आ गई, लेकिन कैसे? आका, कैसे सवाल कर रहे हैं? या तो पालकी से आई होंगी या घोड़े से। कसम खुदा की, हमारा दिल कर रहा है कि उस घोड़े की पूंछ से तुमको भांग के पूरे बगदाद में दौड़ाते। लेकिन किसे? घोड़े को या मुझे? चिराग के जिन लोगों से महसूल के बदले सोना लेकर हम ये सब करते, उससे पहले शहजादी वापस आ गई, अब हम अली का सोना कैसे लौटाएंगे? कैसे लौटाएंगे? और अगर शहजादी को ये पता चल गया कि हमने उस सोने के बदले इस महल को गिरवी रख दिया है, तो आका मेरे पास एक तरकीब, क्यों ना हम शहजादी को बकरी बना दें? बकरी बनेंगी वो और हलाल होंगे हम। आका, क्यों ना हम अली को मेढक बना दे, दिन रात बस तालाब में बैठा टर टर करता रहेगा, कभी इस पत्थर पे कभी उस पत्थर, टर 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 टर। सबसे पहले जाके उस बेवकूफ कुल बदन को रोको। तो आवाम के बीच हमारे ये महसूल वसूल करने की खबर पहुंचनी चाहिए, लेकिन शहजादी से छुपा कर, और खास तौर पे उस अली से। पहले ही काफी हमारा काम बिगाड़ चुका है वो खबीस, इस बार नहीं। जो हुक्म मेरे आका, दुनिया अमरूद से जिन बारूद सा। या अल्लाह, रात के दूसरे पहर से
सुबह का पहला पहर हो गया और आका अब तक नहीं लौटे। नानी कहाँ है? वापस न आने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, इसलिए जानते हैं कि जो वापस ना आए उसे वापस लाना पड़ता है। इसलिए हम जा रहे हैं आका को ढूंढने के लिए। ओ चाचा, जो खुद नहीं आता उसे लाना पड़ता है, क्या बिना सर पैर की बातें कर रहे हो? याद नहीं आका ने क्या कहा था? जब तक वो इशारा ना दे कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा। चुपचाप आके सो जाओ। झमरू, झमरू तुम नौकर हो, नौकरों की तरह रहो। आप दोनों लड़ना बंद करेंगे? बस झमरू, आका, आका। अलादीन की दुश्मन, अली की दोस्त, हमसे दोस्ती करेंगे? आका, हम पूरी रात नहीं सोए, आपका इंतजार कर रहे थे, अब तो कुछ बोलिए। आका, हम आपके जिन ही नहीं आपके घर वाले हैं, हमें बताइए आप कहाँ थे? आका, दूसरी मंजिल पे दूसरे कमरे में रात के दूसरे पहर क्या हुआ बताइए। क्या पूछना चाहते हो? कि आप वहां किससे मिले? मेरा ख्वाब। अच्छे ख्वाब से या बुरे ख्वाब से? सबसे हसीन ख्वाब था। आका, उस ख्वाब का कोई नाम है? क्या वो बगदाद में रहता है? रहता नहीं, रहती है। शहजादी? हाँ, शहजादी। आप शहजादी से मिलके आए हो? आका, आका शहजादी वापस कब आई और उन्होंने आपको मिलने क्यों बुलाया था? गोपी अकेले? वो बीती बातें भूलकर मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, मतलब अली से दोस्ती करना चाहती थी। तो हो गई दोस्ती? हुई। एक बार फिर से। अरे, शहजादी को यकीन हो गया कि आप अली हैं? पूरी तरह। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि कोई भी अपनी राय इतनी आसानी से बदल दे तो समझ लो कि दाल में कुछ काला है। आका, शहजादी आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। कोशिश कामयाब हुई, मैं फंस गया। आका होश में आइए। आका, होश? होश तो मैं कल रात को ही खो दिया था, लेकिन जोश अभी सलामत है। आका, अपना मकसद, अपनी मंजिल। मैं कुछ नहीं भूला यास्मीन। आका, मेरा मतलब है मेरे 3 जिन। आका, इस वक्त हमें एक एक कदम सोच समझ के चलना पड़ेगा, दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। आका, आप अभी अभी तो आए और वापस जा रहे हैं,
कुछ खा लीजिए ना पहले। खाना खाने का वक्त किस बेवकूफ के पास है। शहजादी यास्मीन ने खास अली साहब के लिए मीठा भिजवाया है ताकि उनका दिन भी मीठा गुजरे। शहजादी यास्मीन ने ये मीठा मेरे लिए भेजा है। जी। मैं कैसे पता कि मुझे भूख लगी थी। आका, अभी आपने जिनी मिनी से कहा कि खाने का वक्त किस बेवकूफ के पास है। सुनो सुनो सुनो। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरा बेटा ऐलान कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, बगदाद के रहने वालों, तुम सब के लिए जरूरी ऐलान है। मेरा मतलब लगान ना देने वालों, तुम सब के लिए वजीर आला ने कहलवाया है, तुम सबको सोना अब पड़ेगा सोना। आका ने मुझे ये ऐलान रोकने के लिए बोला है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। भाजा हट गया, हट भाजा। जी हाँ, इशारों में कुछ तो कहना चाहते हैं क्या? ओ, मुझे जल्दी जल्दी करने को कह रहे हैं। हाँ हाँ, दिख दिख दिख। सुनो सुनो सुनो। अरे कितना बड़ा गधा है ये, इसे चुप होने को कह रहा हूँ तो ये बोलता ही जा रहा है। कैसे अपने आका को बचाऊं, क्या करूं मैं? जिसने भी लगान नहीं दिया है, कोई मुसीबत मेरे आका पे ना आए, कथा गुलबदन चुप हो जाए, उसे सोने में लगान नहीं दिया है, उसे सोना देना होगा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बहू, गुल्लू का गला खराब है क्या? पता नहीं अम्मी जान। पता नहीं मतलब, अगर मैंने ऐलान नहीं किया तो वजीर आला मेरा काम तमाम कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, इन भैरों को एक खबर तो देनी पड़ेगी। सोच गुल्लू क्या करेगा। इधर आओ, इधर आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप अपने पीछे वालों को बताओगे, और फिर वो अपने पीछे वालों को, और वो अपने पीछे वालों को, और उसकी हमें शर्फियां मिलेंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस जिसने भी लगान नहीं दिया है उसे सोने में भरपाई करनी होगी। बताओ, सबको बताओ। सुनो अबू, बताओ ना। पीछे बताओ, जिस जिसने भी लगान नहीं भरा है उसे सोने में भरपाई करनी होगी। सोने में भरपाई करनी होगी, सोना देना पड़ेगा। सोना देना होगा। बच गया, अब वजीर आला मुझे इनाम देंगे।
बेवकूफ। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं शहजादी। ये महल, ये मुल्क सब आपसे ही तो है। आप लौट आई हैं तो जैसे यहाँ की रौनक लौट आई। बगदाद छोड़ के जाना तो हमें भी पसंद नहीं है खाला, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी था। पहले काले जादू की वजह से हमारा तोता बनना और फिर अलादीन के हमशक्ल का हमारे सामने अचानक आ जाना। हम कुछ दिनों के लिए ये सब से दूर जाना चाहते थे। मैं समझ सकती हूँ शहजादी, ऐसे में खुद पर भी शक होने लगता है और अपनी किस्मत पर भी। हाँ खाला, लेकिन शक के साए में जिंदगी नहीं गुजारी जाती। कल के अंधेरे को आज की सुबह दूर कर ही देती है। शहजादी, आप तो बहुत सहमी होकर वापस आई हैं। दरअसल ये बात हमें अली ने ही बताई है। वो कितना सुलझा हुआ, कितना समझदार, कितनी प्यारी बातें करता है। और खाला, वो हमें समझता भी बहुत अच्छे से। शहजादी माफ कीजिएगा, पर मैं तो जब भी जनाब अली से मिली हूं मुझे तो वो बड़े अजीब और अलग से लगे। उन्हें देखकर हर बार यही लगता है जैसे वो किसी खास मकसद से यहां है। हमें भी यही लगता है। अब हमारा मतलब है कि हाँ, वो यहाँ एक मकसद से आए हैं। वो एक नई सौदागर है तो दूसरी सल्तनतों में अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है, इसीलिए। वो तो ठीक है शहजादी, पर वो जिस तरह सबसे बात करते हैं, इतने गुरूर से, इतनी अक्कड़ से। आप ठीक कह रही हैं, अकड़ू है और मगरूर भी, लेकिन दिल का ना बिल्कुल भी बुरा नहीं। आपकी ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है। अल्लाह आपकी मुस्कान की हमेशा हिफाजत करे। शहजादी, आपकी फिक्र है इसलिए कह रही हूं, जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। याद रखिएगा कि हम सबको आपकी जरूरत भी है और आपकी फिक्र भी। आप फिक्र मत कीजिए खाला, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। शहजादी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आगा, किसके ख्यालों में खोए? शहजादी के। हाँ? बेगम के। शहजादी की अम्मी के? चाचा, इस शतरंज की बेगम की। आका, जो आपके दिल में है वो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। आका, मैंने आपको इतना खोया खोया कभी नहीं देखा। अब जब आग दोनों तरफ बराबर लगी है तो आप शहजादी को सफर से अलग क्यों नहीं करते हैं?
आपने उसका महल तो छीन ही लिया है, शहजादी को भी छीन लीजिए। इस वक्त जफर का सबसे बड़ा डर यही है कि नक्षड़ी उससे दूर ना हो जाए। हाँ तो अब तुम सुनो, बादशाह यानी जफर को हमेशा यही लगना चाहिए कि उसकी बेगम, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पास महफूज है। आका, इस बिसात में हर चाल समझ आती है, पर घोड़े की ढाई घर की चाल समझना मुश्किल होता है, और आपको ये घोड़ा बनना है। चाचा, मैं बाद में घोड़ा बनकर नहीं, प्यादा बनकर जीतूंगा। घोड़े से चाल की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन प्यादे से नहीं। जफर प्यादे को अपना वफादार समझता रहेगा, और प्यादा धीरे धीरे उसका यकीन जीतकर उससे उसका सब कुछ छीन लेगा। हाँ, वाह का, दुश्मन के खौफ को अपना हथियार बना लेना उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आपका तो जवाब ही नहीं है आका। बेगम होगी तो इस प्यादे की, लेकिन उससे पहले बेगम और बादशाह को पास आना होगा, यानी यास्मीन और जफर को। और ये काम मैं करूंगा।